प्रेजेंटेड बाय सर्वोकॉन भरोसा 35 सालों का सर्वोकॉन। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी के बाद प्रदूषण एक बार फिर से खराब स्थिति में पहुंचता हुआ। इस इलाके में दिल्ली के अगर हम कई इलाकों की बात करते हैं तो AQI लेवल 400 के पार जा पहुंचा है। लोदी रोड पर यही AQI लेवल 405 दर्ज किया गया। आनंद विहार में भी स्थिति बेहद खराब है और 310 AQI लेवल दर्ज किया गया है। तो एक बार फिर AQI लेवल जो है वो खराब स्थिति में जा रहा है। दिवाली के दिन तक जो AQI लेवल 218 तक था, वही AQI लेवल अब दिल्ली में ही कई जगहों पर 400 का आंकड़ा एक बार फिर से पार कर गया है। और देखिए किस तरह से एक सफेद मोटी चादर दिल्ली NCR को घेर कर रखे हुए है। दीपावली के बाद की पहली सुबह ने एक बार फिर धुंध की चादर ने वातावरण को अपनी आगोश में ले लिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नोएडा एक्सटेंशन में, जहां आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो धुंध की चादर है ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कल तक जो मौसम था बारिश होने के बाद में वो बेहद साफ हो गया था, लेकिन जो उसके बाद में जिस तरीके से दिवाली पे आतिशबाजी की गई है उसके बाद में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है वो करीब 350 के पार पहुँच गया है। सामने तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, जो हाई राइज बिल्डिंग है, ये करीब यहाँ से करीब 300 से 400 मीटर दूर है, लेकिन जो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं जो सामने जो पार्क हैं, पार्कों में जो लोग यहाँ पर आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, वो यहाँ पर नदारत हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो बढ़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर जो काफ़ी बढ़ गया था उसके बाद में लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही थी, लेकिन कल पटाखों के बाद में चलाए जाने के बाद में फिर वही कमोबेश यही स्थिति हो गई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहीं लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर ऑफिसेज की छुट्टी है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो भी सड़कों पे बहुत कम है, लेकिन और जो इंडस्ट्री है वो भी बंद है। बावजूद इसके जो प्रदूषण का स्तर है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोगों ने जमकर के रात में आतिशबाजी की है उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो आसमान और वातावरण में दिखाई दे रहा है। अब बावजूद इसके कि तमाम तरीके की पाबंदियों के बाद भी जो लोग हैं वो आतिशबाजी करने से मान नहीं रहे हैं। लगातार आतिशबाजी हुई है, कई घंटों की लगातार आतिशबाजी के बाद आसमान का जो वातावरण में जो प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ गया है। फिलहाल कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ के लिए स्वयं ही जिम्मेदार और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर हम खुद से अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे तो इस तरीके का जो माहौल है, जो वातावरण में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से कल दिवाली का जश्न मनाया गया है उसको देखते हुए प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरडा कैलाश में, और यहाँ पर अगर बात की जाए प्रदूषण की तो स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, और नोएडा हो, दिल्ली NCR हो, सभी जगहों पर NCR में स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो 152 AQI लेवल पहुंच चुका है। IIT दिल्ली की बात की जाए तो 317 पहुंच चुका है, और नोएडा की बात की जाए तो 290। एयरपोर्ट T2 टर्मिनल की बात की जाए तो 308। इसके साथ लोधी रोड 249। दिल्ली की अगर पूरी बात की जाए तो 286 पहुंच चुका है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है, ग्रैप फूड लागू किया गया है, बाहरी जो भी एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए ट्रक या बस नहीं हैं उनको आने के लिए पाबंदी पूरी तरह से लगाई गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन कल जिस तरह से दिल्ली NCR में पटाखे जलाए गए हैं उसको देखते हुए
लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन कालीकान के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ शुरू।